Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So guys, in today's video, I'm going to share my Myntra haul. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो हेल्पफुल रहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए. सभी जो प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उन सभी का आपको ट्राई ऑन साइड बाय साइड मिल जाएगा. आप लोग के साथ मैं कुछ स्टाइलिंग टिप्स भी शेयर करूंगी एंड आपके साथ रिव्यू तो मैं शेयर करूंगी ही. एंड उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अगर आपको बाय करना है तो आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं. और प्लस मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूंगी कि वो साइट पे कैसे शो हो रहे थे, लाइक उनके पिक और प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट जो मेरा सेट है वो ये है. ये मैंने परचेज किया है और इसको मैंने अपने उदयपुर ट्रिप पे पहना था एंड आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया था. एंड ये सेट मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, लाइक इसमें येलो, ब्लैक, आपको ग्रीन भी मिल जाएगा, बट मैंने पिंक लिया बिकॉज पिंक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. तो आपको इस टाइप की कुछ जैकेट मिलेगी एंड आपको ट्राउजर्स मिलेंगे. सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ट्राउजर्स की. ये जो सेट है इसमें मेरा साइज एक्स्ट्रा स्मॉल है एंड ये परफेक्टली मुझे फिट है. मेरा वेस्ट साइज 28 है और बस्ट साइज 34 है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे काफी अच्छे से फिट हुआ है. हल्का सा मेरे को ट्राउजर थोड़ा सा टाइट लगता है, क्योंकि अगर आप बैठते हो या फिर आप कुछ खाते हो तो थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है थोड़ा टाइट टाइट. बाकी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक भी आता है. तो ये कुछ इस टाइप का आपको ट्राउजर रिसीव होगा. ये जिप को मैंने क्लोज नहीं किया हुआ, तो ये इस टाइप आपको कुछ बटन मिलेगा, प्लस आपको ये जिप मिलेगी एंड इस पे ब्रांड मेंशन है. इसका जो ब्रांड है दैट इज टी बैक आई गेस. एंड इसमें आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलने वाला है ट्राउजर्स का. और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, लाइक प्योर कॉटन है. सो आपको हर बार इसको यू नो आयरन करना रहेगा पहनने से पहले, नहीं तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना लुक अच्छा नहीं लगेगा. आपको इसमें टू पॉकेट्स भी मिल जाती है, सो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक आप अपना फोन वगैरह इजिली कैरी कर सकते हैं. एंड बैक से ये कुछ इस टाइप का है ट्राउजर, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा. और इस ट्राउजर को मैं और भी यू नो टॉप के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. जब भी स्टाइल करूंगी ना बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, इसलिए मैंने इसको परचेज किया कि मैं इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकती हूँ. ठीक है, फिर मैंने फिर इसी के साथ आपको रिसीव होता है ये जैकेट. कुछ इस टाइप का आपको क्रॉप जैकेट रिसीव होगा. जो स्लीव्स है वो फुल लेंथ की है, बट जो इसका लुक आता है वो क्रॉप जैकेट की तरह आएगा. एंड कुछ इस टाइप के इसके अंदर आपको ये यू नो लाइनिंग भी मिल जाती है. बिल्कुल भी सी थ्रू फैब्रिक नहीं है, बहुत अच्छा फैब्रिक है. और आपको ये बटन क्लोजर भी मिल जाता है इनकेस आप इसको क्लोज करके इस टाइप से भी वेयर कर सकते हो. बट मैंने इसको यू नो ओपन करके देन ये व्हाइट कलर की ब्रालेट को स्टाइल किया था, क्योंकि ब्रालेट से इसका लुक बहुत ज्यादा ही अच्छा आ रहा था. तो इस टाइप की कुछ मैंने ब्रालेट स्टाइल की थी. आप चाहे तो कोई भी टॉप, जो भी हाई नेक की टॉप है ना वो स्टाइल करोगे ना तो भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा. और मैंने इसके साथ ये व्हाइट ब्रालेट स्टाइल की थी और इससे इसका लुक बहुत अच्छा हो गया था. सो ये जैकेट का फैब्रिक भी कॉटन ही है और ये बहुत अच्छा लगता है सेट. मतलब इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे थे, आप और भी कलर चूज कर सकते हैं. मतलब आपको ये इस टाइप का कॉलर डिटेलिंग मिलेगी और बहुत सुंदर जैकेट है. इसको भी आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो. उसके बाद सेकंड मैंने ये परचेज किया है. ये एज अ सेट नहीं था, इसको मैंने अलग परचेज किया है, लाइक टॉप को अलग और पैंट को अलग परचेज किया है और फिर इसको एज अ सेट बना के मैंने पहना था. जब मैं बाय कर रही थी ना तो सबसे फर्स्ट मैंने ट्राउजर को बाय किया, फिर इसके मैचिंग का टॉप सर्च किया. मतलब एज अ पेयर ही इसको बाय किया था मैंने मिंत्रा से. फर्स्ट मैंने ये टॉप परचेज की है व्हाइट इन कलर में. इसमें आपको कुछ इस तरह की मतलब ट्यूब डिटेलिंग में मिलेगी, देन फिर आपको ये टाई अप डिटेलिंग मिलेगा. नेक के अराउंड आप इसको टाई कर सकते हो और ये ना व्हाइट कलर की है, प्लस इसमें सिल्वर कलर की कुछ डिटेलिंग है, लाइक बहुत शाइनी वाला लाइनिंग्स है. सिल्वर नहीं, एक्चुअली शाइनिंग वाली लाइनिंग्स है. कुछ अलग सा ही इसमें वर्क दे रखा है. ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रेच नहीं होती है. तो अपना परफेक्ट साइज ही ऑर्डर करना. मैंने इसमें पहले एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर किया था, वो मुझे बहुत ज्यादा टाइट थी, लेकिन यहां से नीचे ही नहीं उतरी थी. फिर मैंने इसमें स्मॉल परचेज किया एंड ये मुझे बिल्कुल फिट है, लाइक बिल्कुल फिट. ओके, सो ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड है वेनी वीदी वीसी ट्रिपल वी. तो ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है मिंत्रा पे. मतलब इसके ना टॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा सुंदर आते हैं, तो कुछ इस टाइप की है और उसका लुक बहुत ज्यादा ही अच्छा आता है. नीचे से भी आपको इस टाइप की डिटेलिंग मिलेगी, जिसको आप इस टाइप से ऊपर की साइड करोगे तो फिर यहाँ पे ना सारा जो भी इसका मतलब टॉप ना ऐसे गैदर हो जाएगी यहाँ पे और फिर थोड़ा बटरफ्लाई वाला लुक देगी, आपको अच्छा लुक आता है. एंड बैक से ये कुछ इस टाइप की टॉप आपको रिसीव होगी एंड बैक से कुछ इस टाइप की आपको टॉप रिसीव होगी. थोड़ी सी यहाँ पे डर्टी है या पिता नहीं आई थी या मुझसे हो गई,
पता नहीं कैसे थोड़ी सी डर्टी हो रखी है। सो बैक से आपको कुछ इस टाइप की टॉप मिलेगी। नेक्स्ट मैंने परचेज किया, इसके साथ पेयर किया ये ट्राउजर्स। ये सेम ट्राउजर आपको जारा पे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको परचेज किया था, बिकॉज ये जारा का ड्यूप है अफोर्डेबल प्राइस में। तो आपको कुछ इस टाइप की ना प्लीट डिटेलिंग मिलेगी, हाई वेस्ट ट्राउजर है और आपको इस टाइप की जिप मिलेगी। देन फिर आपको ये इस टाइप का जो हुक वाला सिस्टम होता है ना वैसा मिलेगा। तो आपको ना यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दिखता नहीं है, बहुत सुंदर लुक आता है। और दोनों साइड आपको इसमें पॉकेट मिलेगी। इसका जो मटेरियल है वो क्रेप मटेरियल है, ओके। और ये कुछ इस टाइप का आपको लुक देगा, फुल लेंथ में है, हाई वेस्टेड ट्राउजर है, बहुत बहुत सुंदर आता है लुक इसका। और बैक से ये आपको कुछ इस टाइप का लुक देता है। तो अगर आप इसके साथ कोई भी क्रॉप टॉप ट्यूब टॉप पहनोगे ना, इसका लुक बहुत अमेजिंग आएगा। और ये ट्राउजर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। और ये ब्रांड है कैजू एले, एंड आई मीन दिस साइज स्मॉल। अगेन ये भी परफेक्टली फिट है, मेरी वेस्ट साइज है 28 एंड ये मुझे परफेक्टली फिट है, एकदम बिल्कुल भी टाइट नहीं है, परफेक्ट फिट बोलते हैं ना वो वाला है। तो कैजुअल वाले ब्रांड को जरूर ट्राई करना। इस ट्राउजर में आपको कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, लाइक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, तो आप कोई और भी कलर परचेज कर सकते हैं। बट मेरे पास कोई मरून में नहीं था, इसलिए मैंने मरून कलर परचेज किया एंड आई लव्ड इट, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है मेरे पास वो ये वाला सेट है। ये एज अ पेयर ही मैंने बाय किया और ये अभी बहुत ज्यादा मैं मिंत्रा पे देख रही थी। और ये जो ब्रांड है दैट इज एनी, और इसमें ना कलर ऑप्शंस और डिजाइन ऑप्शंस बहुत सारे थे इस सेट में। तो आपको यहाँ पे मिलेगी एक टॉप, कुछ इस टाइप का आपको लुक देगी, बहुत सुंदर है। आपको कुछ इस टाइप की फ्रिल वाली स्लीव्स मिलेगी एंड देन इसका थोड़ा सा डीप नेक तो जाता है। तो अगर आपकी हैवी बस्ट है ना, तो फिर आप थोड़ा मतलब कंफर्टेबल हो सकता है फील ना करें, बट मुझे काफी अच्छी लगी। एंड फिर आपको यहाँ पे इस टाइप की कुछ इसमें डिटेलिंग मिलेगी एंड टाई एंड डाई प्रिंट है इसमें, ऑरेंज पिंक कलर का, तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला प्रिंट इस पे। और बैक से आपको ये स्मोक्ड फैब्रिक मिलेगा, तो ये जो है स्ट्रेच भी हो जाता है, आप इसको इजिली वेयर कर सकते हो। और इस सेट में जो मेरा साइज था ना वो है स्मॉल, एंड अगेन ये भी परफेक्टली मुझे फिट हुआ है। और इसके साथ आपको मिलते हैं ये इस टाइप के प्लाजो सॉर्ट ऑफ पैंट्स है ये, तो प्लाजो सॉर्ट ऑफ है, अगेन इसमें भी टाई एंड डाई प्रिंट है। इसका जो फैब्रिक है ना वो सैटिन सॉर्ट ऑफ फैब्रिक, मतलब सैटिन नहीं है बट सैटिन जैसा फील हो रहा है, बहुत स्मूथ फैब्रिक है। फ्रंट में आपको ना ये डिटेलिंग मिलेगी, इससे क्या होता है कोई भी अगर आपने टॉप पहना है ना उसका लुक बहुत अच्छा आता है और आपकी जो वेस्ट एरिया ना वो बहुत इनहेंस होती है, बहुत अच्छी लगती है। और बैक में ही आपको इलास्टिकेटेड मिलेगा, लाइक थिक इलास्टिक मिलेगा, सो बहुत अच्छे से होल्ड रहता है। और इसका फैब्रिक ना बिल्कुल ऐसा सी थ्रू सॉर्ट ऑफ नहीं है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप कोई भी छोटी मोटी ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसको जरूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा है। और इसमें एक पिंक कलर था वो भी बहुत सुंदर था, बट मुझे ना ये मतलब ऑरेंज कलर में मेरे पास इतना कुछ ज्यादा स्टफ नहीं है ना क्लोथिंग में, इसलिए मैंने ये परचेज किया एंड आई लव्ड इट। तो ये कुछ आइटम मैंने परचेज किए थे मिंत्रा से, इनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं सभी अपने जो क्लोथिंग आइटम होते हैं उनको 50% ऑफ पे सेल कर देती हूँ, बिकॉज एक से दो बार ही मैं इन्हें पहनती हूँ, ज्यादा नहीं पहनती, इसलिए 50% ऑफ पे सेल करती हूँ। तो अगर आपको भी कुछ बाय करना है, कुछ पसंद आता है, तो मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी पसंद आए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा, देन अपन डिस्कस कर सकते हैं। सो यस, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।